सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। ये सर्जिकल बैंडेज का मशीन है। सर्जिकल बैंडेज जिसे बोलते हैं आमतौर पट्टी बनाने वाला, जो हमारी ट्रीटमेंट में होता है पट्टी बनाने वाला। इसमें दो मशीनें होती हैं, एक तो रोलिंग मशीन, फोल्डिंग मशीन। इसका थान आता है, वो मटेरियल जो होता है थान का थान आता है, ये मीटर के हिसाब से कपड़ा आता है। ये आपका 5 रुपये 6 रुपये मीटर के हिसाब से ये क्वाटन आता है, सब देख सकते हैं। उसके बाद में इसे फोल्ड किया जाता है, ऑटोमेटिकली फोल्ड होता है। आप देख सकते हैं इसमें ये पैनल लगा हुआ है, इसमें आपको 1 मीटर कपड़ा लपेटना है या 2 मीटर कपड़ा फोल्ड करना है या 3 मीटर फोल्ड करना है, इस पर सेट कर देते हैं। ये सेट वाला मीटर देख लीजिए आप, लगा हुआ है। कितना सेट करना हो इसमें लगाओ। हाँ जी, आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले तो मैंने यहाँ सेट किया 4 मीटर कपड़ा। हाँ हाँ, यानी कि 1 मिनट में हाँ ये फोल्ड हुआ। हाँ, फोल्ड करने के लिए दो बंदे, एक इधर रहता है एक इधर रहता है। अच्छा, ठीक है, दो बंदे इसमें ऑपरेट करते हैं इसे। हाँ हाँ, फोल्ड होने के बाद में हमारा जो भी सबसे स्टिप में रॉड में फोल्ड हो जाता है, आप देख सकते हैं। ये जो हमारा फोल्ड होने के बाद में इसे हम रेपर कर देते, लगा के साथ में रेपर भी फोल्ड कर देते हैं। अच्छा, अब फोल्ड होने के बाद में, ये फोल्ड होने के बाद में इस तरीके से हम निकाल लेते हैं इसे, सरिया से ये निकल जाता है। निकाल लेते इस तरीके से, ये निकल जाता है। निकालने के बाद में हम इस रेपर के सही इस कटर में लाते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं। फिर इस कटर को स्टार्ट कर देते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कटर लगे हुए हैं। इस तरीके से हम अंदर के लिए ले जाते हैं, कटिंग हो जाता है। अच्छा, इसका 1-1 इंच का हिसाब से साइज होता है। अगर आप 1 इंच से लेके 4 इंच 5 इंच 8 इंच 10 इंच जो भी आप साइज चाहें, तो इसे कटिंग करके आप इस सर्जिकल बैंडेज को तैयार कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट में आजकल मेडिकल में, कॉलेज मेडिकल कॉलेज में, छोटे छोटे अपने जो शॉप है, छोटी मेडिकल, हाँ बोले छापी भी दुकानें होती हैं, वो भी यहाँ ही सप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस में उत्पादन और प्रॉफिट 60 रुपये में निकल जाता है आपका, 10 रुपये आपको कमा सकते हैं पर केजी पे। ये 60 रुपये किलो मार्केट में मिलता है, क्वांटिटी के हिसाब से जाता है। क्वांटिटी के हिसाब से लगभग 60 रुपये किलो ये बिकता है मार्केट में। 15 रुपये आपको पर केजी पे मार्जिन आ जाएगा जी। इसको पूरा बनाने में 45 से 50 रुपये के बीच में खर्चा आता है, जिसमें ये रॉ मटेरियल हो गया, ये रॉ मटेरियल हो गया, लेबर कास्ट हो गया और इलेक्ट्रिसिटी हो गई। मतलब 1 केजी के पीछे में लगभग आप 10 रुपये कमा सकते हैं। और एक दिन में टोटल प्रोडक्शन कितना दे सकती है मशीन? समथिंग मान के चलो 100 केजी माल तैयार कर देता है एक दिन में, लगभग 100 केजी। 10 रुपये अगर लेके चलते हैं तो 1000 रुपये पर डे के हिसाब से। रॉ मटेरियल की जरूरत, ये मशीन में कितने प्रकार के रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है? इसमें सिर्फ ओलिफार क्वाटन आता है, थान होता है इसका थान, ये मीटर के हिसाब से मिल जाता है, 5 रुपये 6 रुपये मीटर के हिसाब से आता है। बाकी आपको रेपर लेना पड़ता है जो ऊपर कागज लपेटते हैं, जो वो क्या रेट में आता है? वो भी आ जा आपका मान के चलिए आपको 50 रुपये 25 रुपये से स्टार्टिंग है उस पेपर की। वो पूरा उसका फोल्ड आता होगा? हाँ, पेपर आता है, रेपर पूरा आता है। कितने केजी का होगा वो बंडल? वो आपका साइज के हिसाब से कटा हुआ पीस आता है। अच्छा, 10 केजी का भी होता है, 15 केजी का भी होता है। मशीन के लिए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कितने, इसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी इसका सिंगल फेस दो किलोवाट, यानी कि दो मशीन एक साथ चलेंगी तो 4 किलोवाट सिंगल फेस, अगर सिंगल मशीन चलेगी तो 2 किलोवाट पे चल जाएगी आसानी से। बिजनेस के लिए मशीन, इस बिजनेस में दो मशीन है, एक कटर है और दूसरा ये है। हाँ जी, मेन मशीन है ना? जी जी जी। दोनों का टोटल कॉस्ट कितना? दोनों का टोटल कॉस्ट 4.5 लाख से स्टार्टिंग है, बाकी क्वालिटी वाइज क्वालिटी प्रोडक्शन के हिसाब से आप इसे मार्केट से परचेज कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन के हिसाब से ही बना सकते हैं, 6 लाख 7 लाख 8 लाख। और मशीन की कुल कीमत आपने बताई? ये आपका 4.5 लाख से स्टार्टिंग है। 4.5 लाख की मशीन है, ये ऑटोमेटिक मशीन है या सेमी ऑटोमेटिक? सेमी ऑटो है ये, सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें दो चीजें लगती हैं, एक ये तो रोलिंग, एक रोलिंग के लिए और एक कटिंग के लिए। ये रोल बनाती है और वो रोल को कट करती है, ये दो मशीन लगती है और दोनों जो है वो सिंगल फेस में चल जाती है।
और इसके लिए कितने जगह की जरूरत पड़ती होगी रूम में? मान के चलिए 10 लगभग 8 फीट में आ जाएगी आपकी। 8 फीट एरिया में ये दोनों मशीन एक साथ चालू हो जाएगी और इसको चलाने के लिए लगभग 2 आदमी की जरूरत पड़ती होगी। 2 वर्कर को लगा के हम पर डे इसमें 10 केजी 100 केजी माल, 100 केजी का माल पर डे तैयार कर सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा चलने वाली चीज है, हर जगह ये यूज होती है, मेडिकल से रिलेटेड है, इसका कोई अल्टरनेट और मार्केट में उपलब्ध नहीं है ना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी जरूर मिली होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें। और इसी तरह की बिजनेस आइडिया, न्यू बिजनेस आइडिया और स्मॉल बिजनेस आइडिया देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।